बनेगी मिस्टर फैजू की दुल्हनिया, फैजू की सिस्टर ने किया रिवील। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम आपको बता दें कि जिस दिन से फैनत के एंड होने की खबर आई थी ना, उस दिन सारे फैनत के जितने भी हेटर्स थे वो बहुत खुश हो गए थे, जैसे कि जशन हुआ हो। लेकिन जिस दिन जनत एक ग्रुप में आके रिवील कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा दोस्ती खत्म नहीं हुई है, हमारे रिलेशन है, ऐसा जनत इनडायरेक्टली ग्रुप में आके बोल क्या दिया, उस दिन से फैनत के जितने भी हेटर्स है वो बेचारे अंदर से जले हुए हैं, बहुत ही उदास है, सैड है। सो गाइस, उसी चीज़ पर बहुत सारे जो फैजू के फैंस है, मतलब फैनत के हेटर्स बोल सकते हो, फैजू के फैंस भी बहुत सारे लोग हैं जो कि जनत को पसंद करते हैं, इसलिए मैं आपको फैजू के फैंस तो नहीं बोलूँगी, बट ऐसे बोल सकते हो फैनत के हेटर्स जो कि फैनत को बिल्कुल भी साथ में पसंद नहीं करते, उन लोगों ने जाके फैजू की सबसे बड़ी वाली बहन है जिनका नाम है अक्सा, अक्सा अप्पी से जाके सवाल पूछा उनके सोशल मीडिया पे ग्रुप में डीएम पे कि प्लीज़ अप्पी बता दो कि फैजू की शादी कब होने वाली, कहाँ फैजू की बारात जाएगी और क्या फैजू की शादी फैजू के मतलब आपके अम्मी जैसे पर्दे वाली लड़की से होगी। तो उन सब चीज़ों पर आया फैजू की सिस्टर का रिएक्शन। सो गाइस, हम आपको बता दें कि फैनत के हेटर्स ना इतने फैनत को नहीं साथ देखना चाहते, इतने जले हुए, इतने मतलब क्या बोलते हैं, एक दूसरे के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ है उनके मन में कि वो बिल्कुल ही नहीं चाहते कि जन्नत से फैजू की शादी हो। सो गाइस, किसी और के से क्या करना, अगर लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा, काजी वाली बात चल रही है यहाँ पे कि अगर फैजू एंड जन्नत एक दूसरे को पसंद करते हैं, उनका बॉन्ड, उनकी दोस्ती है, तो दूसरे को क्या मतलब हो रहा है। लेकिन फैजन्नत के हेटर्स तो ये बात बिल्कुल भी नहीं समझेंगे, उनको तो ये है कि बस जन्नत से शादी ना हो, किसी से भी शादी हो जाए बस जन्नत से शादी ना हो, ऐसा बहुत लोग चाहते हैं जो कि हेटर्स हैं फैनत के। लेकिन गाइस, मैं आपको बता दूँ कि उन्होंने एक ग्रुप पे जाके जो फैजू की सबसे बड़ी वाली बहन है अक्सा अप्पी, उनसे सवाल पूछा कि अप्पी प्लीज़ बता दो कि फैजू की शादी कब होने वाली है। सबसे पहले तो उन्होंने सवाल किया, सब सवाल भी नहीं किया, उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि बोला प्लीज़ अप्पी फैजू की शादी जैसे आपकी अम्मी पर्दे वाली है, वो शक्ल नहीं दिखाती अपनी, प्लीज़ वैसी लड़की से शादी कराना है, उन्होंने रिक्वेस्ट करके बोला फैजू के जो फैनत के जो हेटर्स है उन्होंने। तो उन्होंने बोला, मतलब जो फैजू की सिस्टर, उन्होंने बोला इंशाल्लाह। उसके बाद भी एक फैन ने पूछा प्लीज़ अप्पी बता दो कि क्या अगले साल फैजू की शादी पक्का होने वाली है ना, जहाँ पे फैजू की बहन ने मतलब सिस्टर ने रिप्लाई देते हुए बोला कि अगर आप लोगों की दुआ रही तो जरूर अगले साल फैजू की शादी हो जाएगी। चैट अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हो, ये कोई बिल्कुल भी झूठ चैट नहीं है, ये फैजू के फैंस ने खुद डाली है अपने सोशल मीडिया पर, वो अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि हाँ फैजू की शादी जन्नत से नहीं होगी, किसी और से होगी। और गाइस, इसके बाद भी एक सवाल ने पूछा कि क्या फैजू की बारात मुंबई में जाने वाली है, मुंबई के बाहर जाने वाली है, जहाँ पर फैजू की सिस्टर ने खुलेआम कुछ मतलब बोलते हैं ना, डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, उन्होंने ये बोला कि अभी तो ये डिसाइड नहीं है, वो तो आपको भी जब शादी होगी अभी पता लगेगा और मुझे भी जब भी पता लगेगा, यानी कि अभी कोई लड़की देखी नहीं गई है, फैजू की सिस्टर को भी नहीं पता इस चीज़ के बारे में। लेकिन क्या एक सवाल और पूछा गया फैनत के जो हेटर्स है, उन्होंने डायरेक्टली पूछ दिया क्या फैजू की लड़की किसी सोशल मीडिया चलाने वाली लड़की से होगी, यानी जन्नत का नाम नहीं लिया, सोशल मीडिया चलाने वाली लड़की से, जहाँ पर उन्होंने बोला वो तो मम्मी डिसाइड करेगी, फैजू की बहन ने ये रिप्लाई दिया। कुछ बात हुई फैजू की सिस्टर और फैजू के जो फैनत के जो हेटर्स है उनके बीच में, जहाँ पर वो डायरेक्टली पूछना चाह रहे हैं क्या जन्नत से तो नहीं होगी ना, सोशल मीडिया वाली लड़की से तो फैजू की शादी नहीं होगी ना, और प्लीज़ पर्दे वाली लड़की की शादी कराना, पूरी तरह से रिक्वेस्ट की गई है। और फैजू की जो सिस्टर है वो भी इतनी स्मार्ट है, उन्होंने डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने फैंस का दिल भी रख दिया कि बोल दिया कि अभी मेरे को नहीं पता, अम्मी डिसाइड करेगी या मम्मी डिसाइड करेगी कहाँ पे फैजू की बारात जाएगी, क्या होगा क्या होगा। लेकिन जन्नत ने बोला है तो बिलीव तो है, आप में से भी बहुत सारे फैंस पूछ रहे थे, आप में से भी आई थिंक बहुत सारे लोगों ने चैट देख ली होगी, तो आप भी बहुत डर गए थे, तो आप में से भी एक दो कमेंट आए थे कि प्लीज़ बताओ प्लीज़ बताओ, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को क्लियर कर ही दूँगी। ऐसा कुछ नहीं, आप जन्नत पर बिलीव रखो, जन्नत ने बोला है ग्रुप में आके कि आप बिलीव करो मेरे पे कि कुछ भी नहीं है, फैजू ने गलती से ब्लॉग में बोल दिया था कि हाँ चलो शादी वादी होने वाली, शादी तो होगी एक साल में होगी, फैजू की सिस्टर ने बोला दुआ करो आपकी दुआ लगेगी बहुत जल्दी लगेगी, लेकिन किससे होगी ये रिवील नहीं किया था फैजू ने, तो घबराओ मत फैनत की होगी, होप सो।